तो हाँ यार, कैसे, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई मलयालम मूवी के बारे में, जिसका नाम होने वाला है अयोस्पिन केंडुथुम। और इसी मूवी करेंगे रिव्यू, पर हाँ इस इंट्रो के बाद। वेलकम टू रीजनल मूवीज रिव्यू। तो देखो, अगर स्टार्ट कर ले कहानी से, इसकी स्टोरी बेसिकली फोकस करती है एक इन्वेस्टिगेशन पे, जो एक महिला के मर्डर के ऊपर फोकस करती है पूरी तरीके से। अब क्या हुआ था उसके साथ और स्टोरी हमें क्या दिखाती है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा मूवी को। पर हाँ, अगर आप ये बात सुनकर देखने प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो दो मिनट पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुन लो कहानी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, प्लस पूरी की पूरी मूवी कैसी है। तो देखो, अगर मुझे मूवी की कहानी के बारे में बोलना हो तो हाँ भाई, फिर से मलयालम सिनेमा की तरफ से एक और तगड़ी मूवी निकल के आई है, जो इन्वेस्टिगेशन के मामले में और खासतौर पर थ्रिल के मामले में कुछ नया दिखाती है। और जिस तरीके से दिखाती है, उसको देख के आप पक्का मतलब सरप्राइज होने वाले हो। मूवी को देखते टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जो थ्रिल वाला फैक्टर है उसको बढ़ा देंगी और आपका मज़ा डबल हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यार जिस तरीके से थ्रिल और सस्पेंस को मैनेज किया गया पूरे मूवी में, वो आपको पक्का 100% पसंद आएगा। और स्टोरी का प्रेजेंटिंग का तरीका भी उसी हिसाब से, जहाँ पे आप मूवी से कनेक्ट कर जाते हो और ओवरऑल जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो आपको पसंद आती है, चाहे वो पूरी पुलिस की टीम हो, या जिस तरीके से पूरे केस को दिखाया जाता है वो हो, या जिस टाइमलाइन में पूरी मूवी चलती है वो टाइमलाइन हो, उसी हिसाब से जो सेटअप किए गए हैं, जिस तरीके से कहानी को दिखाया गया, वो चीज़ यार काफ़ी हद तक लॉजिकली लगती है। बात करें अगर स्क्रीन प्ले के बारे में, तो चाहे मूवी का फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, मूवी आपको बोर तो नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा सा कहीं कहीं यार इमोशन के मामले में वो उतने से तरीके से आप कनेक्ट नहीं करते हो जितना तगड़ा हो सकता था, पर ठीक है, वो काम चल जाएगा। पर हाँ, ये नहीं कह सकते कि मूवी आपको बोर करेगी या मूवी कहीं पकाती है या स्किप करने की जरूरत पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि जिस तरीके की चीज़ों को दिखाया गया है, थोड़ा टाइम और ले लेते तब भी चलता। साथ में जो सस्पेंस ट्विस्ट है उनके बारे में मैंने बोला है कि हम वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, ऑडियंस को सरप्राइज करते हैं। साथ में जो पूरा प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी यार A1 क्लास का है। बाकी जो कैरेक्टर राइटिंग है सभी की, वो भी आपको पसंद आती है। उससे अलग अगर बात कर ले टेक्निकल चीज़ों के बारे में, लोकेशन सीन को जिस तरीके से दिखाया गया है और जिस टाइमलाइन में मूवी पूरी तरीके से खेलती है, उस समय का जो पूरा सेटअप है वो चीज़ भी आपको काफ़ी हद तक पसंद आती है। और वहाँ भी चीज़ें प्रोडक्शन वैल्यू वाइज अच्छी हैं। बाकी कैमरा वर्क हो या पूरा VGM है पूरे मूवी का, वो आपको पसंद आएगा। खासतौर पर VGM का काम सस्पेंस और थ्रिल के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे यार मूवी क्वालिटी बढ़ती है। और बोल रहा हूँ एक्टिंग के बारे में, चाहे टोविनो थॉमस हो या इन सलग जो और बाकी स्टार कास्ट थी, सबका काम यार काफ़ी हद तक पसंद आया और काफ़ी हद तक यार अच्छा लगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा काम था पूरी स्टार कास्ट का। तो देखो, अगर ओवरऑल बोल रहा हूँ इस पूरे मूवी के बारे में और हिंदी डब के बारे में, तो जो हिंदी डब निकल के आया वो ओवरऑल डिसेंट है, ये बोल सकते हैं। पर फाइनल बोल रहा हूँ पूरे मूवी के बारे में, तो आराम से एक बार जाकर देख सकते हो, मूवी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ऐसी मूवी देखना पसंद है सस्पेंस और थ्रिल के मामले में, या अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो या वैसी मूवी देखना पसंद करते हो, तो ये मूवी 100% आपको पसंद आएगी। मज़ा आएगा देख के, कुछ नया देखोगे, कहीं से मूवी यार ख़राब नहीं है, हर पॉइंट पे कुछ अच्छा ही दिखा के जाएगी और वो चीज़ आपको पसंद आती है। तो मेरे हिसाब से एक बार जाओ, देखो, इन्जॉय करो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो साथ में, हम तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो साथ में।